मेरे देश के प्रधानमंत्री, मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि मेरे ग्राम पंचायत पल्ली के अंतर्गत दो गांव आते हैं जिसमें 724 घर हैं और 3700 आबादी हैं। हमारे इसमें पंचायत के अंदर आपने जो सोलर की सुविधा दी है वो अक्सर गांव के अंदर आपको पता है कि उसमें बिजली की बड़ी दिक्कत रहती थी, और जिस सुगात मिलने से हम धन्य हो गए। और एक तो हमारी न्यूट्रल कार्बन पंचायत हो गई। जो खेतों में पानी के लिए पंप उपयोग होता है वो सोलर पंप उपयोग होता है क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी, उस पर भी हमने कार्य कर रहे हैं। आज हमारे जहाँ पे 10 पंप वो लग चुके हैं और 40 और थोड़े दिनों में लगने वाले हैं। हर घर में एलईडी बल्ब है? हर घर में, वो आप ही की देन है प्रधानमंत्री जी, हर घर में एलईडी बल्ब लगे हुए हैं और हर घर में सोलर कुकर भी है। तो मैं आप लोगों को एक सुझाव देता हूँ, आप लोग इंटरनेट तो देखते होंगे, अगर यूट्यूब पर जाएंगे तो यूट्यूब पर आचार्य देवव्रत के नाम से ढूंढोगे तो भी मिल जाएगा, जो गुजरात के गवर्नर है। या आप नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती ये ढूंढोगे तो भी मिल जाएगा। और एक गाय से 30 एकड़ भूमि में खेती होती है और जीरो बजट खेती होती है और फसल उतनी होती है जो पहले होती थी और कमाई डबल होती है, क्योंकि लोग प्राकृतिक खेती के जो फल फूल, अब आपको तो जम्मू बड़ा पास में ही है तो सब्जी का बहुत बड़ा मार्केट जम्मू में आपको मिल जाता है, तो डबल पैसा मिलता है। अच्छा, आपके गांव का जन्मदिन क्या है? 24 अप्रैल मनाते हैं। बिल्कुल, आज से ही का जन्मदिन बना दिया। बिल्कुल, इससे बड़ा हमारे गांव में कोई दिन हो ही नहीं सकता। जो भी डेट आपकी हो, वैसे ढूंढो तो मिल जाएगी, अगर मान लीजिए आपको नई बनानी तो नई तय कर लीजिए। गांव का जन्मदिन बड़ा जोरों से मनाना चाहिए और आपके गांव के लोग जहां भी गए हो उनको कहना चाहिए उस दिन आना पड़ेगा और कोई न कोई एक नया काम गांव में उस दिन तय किया जाए और 365 दिन में पूरा करना। ग्राम सभा बुलाई जाती है, ग्राम सभा में जो हमारे बुजुर्ग हैं, मतलब सभी तीन वर्ग के जो होते हैं मिडिल एज के, सभी को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं, फिर हम आके बताते हैं सरपंच साहब को कि हमारे जे जे काम हैं। 5 साल के लिए आपको लोगों ने अपना सारा काम दे दिया है, आप भी तय कीजिए 5 साल के अंदर अंदर इस गांव में ऐसी कौन सी चीज करेंगे कि हमारे नाते नाती पोते भी आएंगे तो देखेंगे, देखे मेरी नानी यहाँ थी तो ऐसा बनाया था, ऐसा कर सकते हैं क्या? जी सर। सर, हमारे पंचायत में, हमारे वार्ड में हर घर में शौचालय बन गए हैं, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जो सभी योजना जो मिल गई है सर, तो मैं आपसे सर बहुत देर से ख्वाहिश थी मिलने की, तो आज आपके दर्शन हो गए और सब गांव को धन्य हो गया। हम ऐसा रोजगार पैदा करना चाहते हैं कि गांव में हमें एक भी गरीब नहीं रह देना है। पूरे देश में से गरीब हटे या ना हटे, हम हमारे गांव से हटाएंगे। मैंने अपने जीवन में ऐसी बात पहली बार सुनी थी। हम बोले कुछ न कुछ ऐसी प्रवृत्ति करेंगे, हर किसी को काम देंगे, हरे को कम से कम इतनी इनकम उसकी व्यवस्था करेंगे। ये बिल्कुल ही सामान्य पढ़ी लिखी पंचायत की महिलाओं का संकल्प था। हमारे गांव में कोई ढाबा वगैरह नहीं था, कोई मेहमान आए हैं कहीं, जो इम्प्लाइज आए हैं क्या सोचेंगे किस गांव में गए थे, तो पूरी व्यवस्था इन महिलाओं ने संभाल रखी थी। जब से प्रधानमंत्री जी आपके आने की खबर जहां गांव में फैली है, ऐसे लग रहा है मानो हर घर से कितनी रोटी आई, हर घर से एक मोहल्ले वार्ड बाई वार्ड से रोटी 20 रोटी रखी थी, 50-60 कोई अपनी इच्छा से ज्यादा, मिनिमम 20 रोटी, बढ़िया लंगर कर दिया। और 2000 रोटी आती थी, चावल बनते थे, घर में चावल होते हैं, हमने पहले 2-3 दिन लगाया कहने लगे जितने मेहमान आएंगे हर घरों से आएगी रोटी, 1900 जितना लोग पहले भी बीच में आना जाना लगा था। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई।